वेलकम टू एआर मैथमेटिक्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन करना, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे पूरे इंटीग्रेशन का रिवीजन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने इंटीग्रेशन के लगभग हर एक्सरसाइज से एक या दो सवाल को लिया है। जैसे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये हमारा इंटीग्रेशन का सवाल है जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज से आता है और काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इन सवालों को आप देखेंगे तो ये सवाल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये तीन सवाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। उसके बाद देखेंगे तो 13, 14, 15 और 16, ये सवाल है सम स्पेशल फार्मूला का। उसके बाद आप 17 में आएंगे तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। 18 में आएंगे तो 18, 19, 20 और 21, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स का सवाल है। कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे, कुछ डायरेक्ट सवाल है जिनका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। फाइनली लास्ट में हम लोग सीखेंगे एक मेथड जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 5% चांस है पूछा जाने का, बट इसको भी आप सीख के जाएं कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है एज द लिमिट ऑफ सम, या इसी को कह सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और लास्ट में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल फिगर, एक हमारे पास है एलिप्स, एलिप्स का एरिया निकालना सीखेंगे, और दूसरा ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास है सर्कल, तो सर्कल का एरिया निकालना सीखेंगे। और फाइनली हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 25 पर, जहाँ के हम लोग सीखेंगे किसी एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, जो कि आपको करना है 1 से 4 तक, और फंक्शन जो दिया हुआ है हमारे पास ये है मॉडुलस फंक्शन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको 1 बाय 1। अगर आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया तो आपके इंटीग्रेशन का पूरा रिवीजन हो जाएगा, और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2020 एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम आने जा रहा है, या इस जैसे सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके सारे सवालों को। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं 1 से 9 तक के सवालों को। हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। मान लेते हैं जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आई मान लेते हैं, मीन्स इसका इंटीग्रेशन हमको करना है 5 x³ + 2 x^(-5) - 7x + 3 sin x + 5 sec² x + 6 y cos² x - 2 cos x² x + 1 √x + 5/x dx। देखिए ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इस काम को करना है इंटीग्रेशन। यहाँ दिख रहा है आपको, एक मिनट, ओके। तो चलिए सबसे इंटीग्रेशन का पहला जो बेसिक रूल है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि अगर कोई फंक्शन u प्लस v प्लस w के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो करते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x^-5 dx, माइनस है तो फिर माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 5 sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 बाय cos स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 x dx। नेक्स्ट आप देखिए, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है फंक्शन, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका 5 बाहर आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ बच जाएगा x का क्यूब। यहाँ से देखिए 2 बाहर आ जाएगा, x पर पावर माइनस 5 डी एक्स बच जाएगा, यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा और x डी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो डी एक्स बच जाएगा। अब ये sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan x, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 6 आउट हो गया और 1 बाय cos स्क्वायर x, तो 1 बाय cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। नेक्स्ट हमारा यहाँ है देखिए माइनस 2 आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos x स्क्वायर x dx प्लस। अब यहाँ देखिए 1 बाय रूट x है डिवाइड में, तो 1 बाय रूट x डिवाइड में है, मीन्स x पर पावर 1 बाय 2, जब ऊपर करेंगे हम लोग इसको तो x पर पावर माइनस में 1 बाय 2 dx हो जाएगा प्लस 5 को यहाँ से आउट कर देंगे और 1 बाय x dx। नेक्स्ट आइए, अब सीधा सीधा एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इस फार्मूला को, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n dx। तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस c। आइए 5 x पर पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ और 3 प्लस 1 नीचे हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 2 x पर पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 1 माइनस 7। अब यहाँ देखिए x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस एक्स, तो लिख देंगे इसके जगह पर कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, तो हम लोग निकाल ही चुके हैं इसको 6। फिर से देखिए सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का अगेन टेन एक्स, फिर आ गया हमारा माइनस माइनस 2 कॉस एक स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स पर पावर, देखिए यहाँ पर माइनस 1 बाई 2 है, तो एक्स पर पावर माइनस 1 बाई 2 में 1 ऐड करेंगे और माइनस 1 बाई 2 में 1 ऐड करेंगे, उसी चीज़ से डिवाइड भी करेंगे प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय एक्स है, तो 1 बाय एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है मॉड लॉग एक्स, और फाइनली चूंकि इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुका है सबसे, तो हम लोग लगा देंगे कांस्टेंट c। अब देखिए इसको हम लोग कंप्लीट आंसर लिखने जा रहे हैं, 5 x पर पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4 को यहाँ ना लिख के हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए माइनस 4 यहाँ से आएगा, तो फाइनली माइनस 4 और ऊपर 2 है तो कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 बाय 2 एक्स पर पावर माइनस में 4, और इस माइनस 4 को हम लोग प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, x पर पावर 4 नीचे लिख देंगे। माइनस देखिए यहाँ से आ रहा है 7 और नीचे से यहाँ से आ रहा है 2 और x का स्क्वायर, फाइनली प्लस माइनस माइनस 3 cos x प्लस 10x और 6 10x, तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 10x। यहाँ से देखिए कितना हो गया है माइनस माइनस प्लस 2 cot x। यहाँ से देखिए जब एलसीएम लेंगे हम लोग इसका, तो आएगा 1 में 1 माइनस 1 बाई 2 हम लोग घटा रहे हैं तो 2 आएगा, तो फाइनली ऊपर आके हो जाएगा 2 और ये हमारा x पर पावर हाफ, x पर पावर हाफ मीन्स रूट x प्लस में 5 log mod x प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद है तो इस क्लास को आप बहुत ही अच्छा इन्जॉय करेंगे। तो ध्यान से देखिए पूरे इस सवाल को जो मैंने बनाया है, अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, तो मान लेते हैं हम लोग लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखें, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और माइनस साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, क्योंकि ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। अब ज़रा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ेंगे तो यही चीज़ हमको मिल जाएगा। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर दो हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो एक टर्म हमारे यहाँ से आ जाएगा बाहर, यानी साइन x माइनस कॉस x यहाँ से आ गया बाहर। तो अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और माइनस कॉस x dx का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x और प्लस में सी, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो देखिए इन सवालों को, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है हमको साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सवाल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल आपसे कुछ कह रहा है। आप सवाल देखेंगे तो आप सवाल की बात को समझने का कोशिश कीजिए। सवाल कह रहा है कि हमको डिवाइड कीजिए, तो देखिए हम लोग कर रहे हैं इसको अलग अलग डिवीज़न, यानी एक्स साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो सवाल ही बताएगा कि हमारे साथ क्या करना है। ये देखिए अलग अलग करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और फिर से अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा, मीन्स ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये साइन क्यू एक्स, दो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर ये बचेगा एक साइन एक्स, नीचे बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ से देखिए फिर से वही बात, कॉस दो है यहाँ पर और कॉस यहाँ पर तीन है मल्टीप्लाई में, तो एक कॉस कट जाए, दो कॉस कट जाएगा, एक कॉस ऊपर बचेगा, नीचे कोई भी कॉस नहीं बचेगा, नीचे सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ज़रा इस सवाल को ध्यान से देखिए, क्या हम इस सवाल को ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू वन बाय कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू वन बाय साइन एक्स, क्योंकि नीचे हमारा साइन एक्स स्क्वायर में, तो दो टर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग। ऐसा क्यों लिखा हमने, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस टेन एक्स और कॉस एक्स को ऊपर लिख के वन बाय सेक एक्स। ये देखिए कॉस बाय साइन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स और इंटू वन बाय साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स एक्स। तो अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही हमारा फॉर्मूला आ चुका है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है और कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कॉस एक एक्स का इंटीग्रेशन तो कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा और कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक एक्स
और प्लस लास्ट में ऐड कर देंगे एक सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखिए अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन शॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास ये है I और ये हमारा है sec स्क्वायर log x डिवाइडेड बाय x dx। तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, तो यहाँ से हमारा शुरू हो गया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कुछ मानना होगा और मानते हम लोग वो हैं जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद होता है। आप पूरे सवाल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है log x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो देखिए 1/x यहाँ पर मौजूद है, तो हम लोग किसको मानेंगे, लेट log x इक्वल टू z, यानी इस log x को हमने क्या मान लिया, z, या z बराबर log x, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, z बराबर log x। तो जब आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन dz by dx तो 1/x हो जाएगा ये, इसका मतलब dz बराबर 1/x dx। तो अब देखिए फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर log x डिवाइडेड बाय x dx। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, sec स्क्वायर log x और इंटू 1/x dx। अब जरा ध्यान से देखिए, ये sec स्क्वायर इसको हमने माना है z और इंटू 1/x dx, 1/x dx के हम लोग लिख सकते हैं dz। तो फाइनली sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर z dz के फॉर्म में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10z प्लस c और लास्ट में z का मान रख दीजिए, z का मान कितना है, log x है, तो हमने यहाँ रख दिया 10 log x प्लस c और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लेते हैं उसको I इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस एक्स डी एक्स। तो इसमें सबसे पहले एक काम कर लेंगे, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स है, यहाँ पर देखिए रूट यहाँ पर सिर्फ एक्स है, तो क्या एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से दोनों सी से रूट एक्स कॉमन है, तो हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा रूट एक्स डी एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इसको जेड मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है 1/2 रूट एक्स। तो मान लेते हैं लेट जेड बराबर 1 प्लस रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा, देखिए डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ये 2 है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 2dz इक्वल टू 1/√x dx। चलिए तो इसको करते हैं, इसलिए I का मान हमारा क्या हो जाएगा 1/√x 1 प्लस √x और dx। चलते हैं तो हम लोग इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1/1 प्लस √x इंटू 1/√x और dx। तो हमने क्या किया, इसको तो माना हुआ है z, तो हमने लिख दिया इसकी जगह पर z और 1/√x dx के यहाँ पर आया है 2dz, तो यहाँ पर लिखेंगे 2dz। फाइनली 2 इज कॉन्स्टेंट, सो आउट 2 को हमने बाहर कर लिया, तो 2 और बच गया यहाँ पर 1/z dz, तो 1/z को क्या लिखेंगे, 1/z log z प्लस c, तो 2 log और फाइनली z का मान यहाँ रख देंगे, तो z का मान क्या है 1 प्लस √x 1 प्लस √x प्लस c एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हालांकि ये सब काफ़ी सिंपल सवाल हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, मान लेते हैं I इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। तो देखिए इन सवाल को ध्यान से, अगर आपको स्क्वायर रूट का सवाल मिल जाए तो आप सबसे पहला काम करेंगे इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कंजुगेट लीजिए, यानी नीचे से आपको रूट को हटाना है। तो हमने क्या किया कि 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 और ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवीज़न करेंगे। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन बैलेंस भी होगा। अब ऊपर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो सीधा सीधा 1 से मल्टीप्लाई होके 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 ये रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म हमारा a है और ये b है, ये a और ये b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाले टर्म को हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ये टर्म 2x माइनस 3 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर और dx। तो नेक्स्ट में हमारा इसके आगे जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म तो हमारा ऐसा ही रह जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस में 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म का जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3। देखिए ध्यान से इसको, और जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x प्लस 3 माइनस 2x और प्लस 3, तो फाइनली 2x से ये 2x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास देखिए 3 प्लस 3 तो 6 आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है, तो इसको पूरे इंटीग्रेशन से कर लेंगे बाहर। तो फाइनली हमको इंटीग्रेशन करना है सिर्फ इन दो टर्म्स का। तो आप इन दो टर्म्स को ध्यान से देखिए, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ और dx और माइनस, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे 2x माइनस 3 पर पावर हाफ और dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए वही फार्मूला हमारा यूज़ करेंगे, x पर पावर n और dx, तो x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो इस पूरे को मान लीजिए x या z, तो अलग अलग ना मान के हम इस सवाल को डायरेक्ट ही z मन ही मन में आप मान लें, और 1 बाई 2 इस पर ये देखिए पावर है n, तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 1 बाई 6 2x प्लस 3 पर पावर 1 बाई 2 में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 बाई 2 और यही 3 बाई 2 से यहाँ पर होगा डिवीज़न। नेक्स्ट में हमारा 1 बाई 6 तो सबसे के साथ मल्टीप्लाई में है, फाइनली 2x माइनस 3 पर पावर 3 बाई 2 और यहाँ भी हो जाएगा 3 बाई 2 और प्लस में हो जाएगा c। तो लास्ट अगर हम इसको लिखें डायरेक्ट तो क्या आ जा रहा है हमारे पास, ये देखिए 3 बाई 2 दोनों ही में कॉमन है, बाहर निकल के इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 बाई 6 इंटू 3 अपॉन में 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 तिया 6 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आएगा 1 बाई 9 2x प्लस 3 पर पावर 3 बाई 2 और माइनस 2x माइनस 3 पर पावर 3 बाई 2। तो कुछ बेसिक चीज़ों को हमने यहाँ पर नहीं लिखा है कि बाहर निकालने के बाद फिर रिवर्स होने के बाद कटने के बाद फाइनली आपका ये आंसर आएगा 1 बाई 9। तो आप इसको करके देख सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हालांकि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेवन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में भी वही काम करना, इवेल्यूट कह रहा है, इवेल्यूट कीजिए, गणना कीजिए इसका वैल्यू। तो हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू x प्लस वन एंड x प्लस log x का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय नीचे x है। अब ज़रा सवाल को ध्यान से देखिए, तो फिर से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही सवाल है, लेकिन आपको इसमें ये पकड़ना है कि आखिर किस चीज़ का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है। तो ध्यान से देखेंगे, x प्लस log x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही टर्म हमको मिल जाएगा। देखिए आपको हम करके दिखाते हैं, z बराबर x प्लस log x, मान लिया हमने इसको z, तो z का स्क्वायर हो जाएगा फाइनली। तो पूरे ही टर्म को हमको z में बदलना होगा। अगर आप z मानते हैं तो सारे टर्म को आपको z में चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो dz बाई डी एक्स, वन का x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1 बाई x। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। फाइनली चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये dz है, सॉरी dz, तो dz बराबर 1 प्लस x या x प्लस 1 ऊपर और नीचे dx और x, और ये हमारा हो गया dx। तो अब ज़रा आप इसको ध्यान से देखिए, अब फिर से हम चलते हैं उसी x प्लस 1 और x प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस log x का होल स्क्वायर और इनटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x dx। हमने सिर्फ आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, इसको तो हम लोगों ने माना है z, तो इसको लिख दिया z का स्क्वायर और इनटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x dx। इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे इसको dz। तो देखिए ये कंप्लीट हमारा z में चेंज हो चुका है। तो z स्क्वायर का फिर से वही x पर पावर n का 4 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 और प्लस में c। तो फाइनली यहां से हमारा हो गया z का क्यूब, यही लिखते हैं, z का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और लास्ट में z का मान रख देंगे। तो z का मान हमारा क्या है, x प्लस log x। तो इसको लिख देंगे 1 बाय 3 x प्लस log x का होल क्यूब प्लस c, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए सवाल को ध्यान से, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है cos 4x dx। मान लेते हैं let i is equal to cos 4x dx। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला काम आप सवाल देखते के साथ क्या करेंगे, क्या आपके दिमाग में आता है, आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्योंकि cos 4x का हम लोग कुछ इंटीग्रेशन जानते नहीं हैं, तो इसको हम लोगों को कुछ अलग फॉर्म में तोड़ना होगा। अब देखिए 1, ये cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अगेन स्क्वायर आ जाएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको कुछ ऐसा तोड़िए कि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो एक तरफ हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये भी होता है cos का फॉर्मूला, cos 2x का। देखिए cos स्क्वायर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि cos 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। तो इसका मतलब अगर हमको चाहिए cos स्क्वायर x, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और cos स्क्वायर x। चलिए तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 इज कांस्टेंट, तो 4 को हम लोग बाहर कर देंगे, और 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। तो तोड़ दीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 2x। चलिए तो 1 बाई 4
वन प्लस टू कॉस टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स, अगेन फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ x था तो 2x हो गया, तो यहाँ कितना होगा वन प्लस कॉस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू। नेक्स्ट हमारा 1 बाई फोर, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस टू कॉस टू एक्स प्लस 1 बाई टू प्लस कॉस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू। अब कर लेंगे अलग अलग करके इंटीग्रेशन, तो 1 बाई फोर तो सबके साथ मल्टीप्लाई में है, अब देखिए 1 बाई टू और प्लस 1 है तो 3 बाई टू, 3 बाई टू का जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो 3 बाई टू का इंटीग्रेशन होगा 3 बाई टू एक्स प्लस 2 cos 2x का जब करेंगे तो 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस। अच्छा, इससे पहले वाले सवाल में जब हम लोगों ने इस सवाल को बनाया था तो आप ध्यान देंगे उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मिस हो गया था, तो आप उसको देख लेंगे और उसको कर लेंगे। लास्ट में जब हम लोग कर रहे थे काम इसमें तो 2 से डिवाइड भी होगा क्योंकि x में मल्टीप्लाई यहाँ 2 से है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाय 4, तो 4 और 2 यहाँ पहले से तो इसका मतलब 4, 4 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 और dx। तो कंप्लीट अगर इसको लिखना चाहें 4 से मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट हो जाएगा 3 बाय 4 दूनी 8x प्लस ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स साइन 2x बाय 4 और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4x डिवाइडेड बाय 8 चौके 32 और प्लस में c, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 मान लेते हैं फिर से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस अल्फा और dx। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, नीचे हमारे पास x प्लस अल्फा है तो आप मान लीजिए लेट z इक्वल टू x प्लस अल्फा, तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में dx बाय dz बाय dx, तो ये तो हो गया 1 और अल्फा का डिफ्रेंशिएशन 0, मीन्स हो गया सीधा सीधा यहाँ dz बराबर dx, तो इसलिए i का मान कितना हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस अल्फा और dx। तो यहाँ से एक चीज़ और कर लेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं x बराबर z माइनस अल्फा, चूँकि इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी तो हमने यहाँ लिख लिया cos x, x के जगह पर लिखेंगे z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय cos z और ये हो गया हमारा dz, चूँकि dx बराबर dz है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा cos z माइनस अल्फा, तो cos z माइनस अल्फा का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो cos z माइनस cos अल्फा और अगर माइनस है तो हो जाएगा प्लस sin z इंटू sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos z। अब ज़रा करेंगे इसको आप अलग अलग तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा cos से cos z कट जाएगा, फाइनली बच जाएगा सिर्फ cos अल्फा और dx प्लस, जब इसको अलग करेंगे तो हमारे पास आएगा sin z by cos z means tan z into sin alpha और dx। जब z में हमने बदल दिया है तो सारा टर्म यहाँ भी z ही होगा। चलिए तो cos alpha is constant, तो cos alpha को आउट कर लीजिए क्योंकि z के अलावा जितना होगा सबका सब कॉन्स्टेंट होगा प्लस, यहाँ से देखिए साइन अल्फा इज कॉन्स्टेंट तो साइन अल्फा को बाहर टेन जेड और डी जेड हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से कितना हो गया देखिए z का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में z cos अल्फा
और प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा, और देखिए यहाँ पर टेन जेड है तो टेन जेड का इंटीग्रेशन लिखना चाहेंगे तो माइनस में लिख सकते हैं लॉग कॉस जेड प्लस सी, और ये आंसर हो गया। आप चाहें जेड का मान रख दीजिए, जेड हमारे पास है एक्स प्लस अल्फ़ा, तो हमने यहाँ रख दिया एक्स प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, और साइन अल्फ़ा लॉग कॉस जेड, तो कॉस जेड का अगेन फिर से वैल्यू एक्स प्लस अल्फ़ा, सॉरी एक्स प्लस अल्फ़ा और प्लस सी, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो देखिए हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट किया है एक से लेकर नाइन तक के क्वेश्चन को, जिसमें दो तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। एक सिंपल टाइप का हमारा इंटीग्रेशन है जो एक से लेके तीन तक में कवर हुआ है, दूसरा हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम था जो कि चार पाँच छः सात आठ और नाइन नंबर क्वेश्चन में कवर हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट के सवाल पर, तो इसको हम करते हैं रफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसको मिटा के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए तो मैंने लिख लिया इन सवालों को, देखिए आप हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, वजह उसका ये है कि इस क्वेश्चन का मैंने अलग से एक वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो इस सवाल को देखने के लिए आप उस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारे पास दिया है e टू दी पावर 2x साइन x dx, तो मान लीजिए सबसे पहले इसको i, लेट i इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x और साइन x dx। तो देखिए इसमें आपको पहचानना होता है u इंटू वी, यू कौन सा फंक्शन होगा v कौन सा होगा, तो इस रूल से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं i लेट। तो सबसे पहले देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा फंक्शन इसमें पहले आया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो दो फंक्शन यहाँ पर है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक को मानेंगे यू और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मानेंगे हम लोग वी, और यू और वी के फॉर्म में अरेंज करके लिख देंगे, ये है यू ये है वी। तो u और v का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, u को हम लोग करते हैं बाहर, मीन्स साइन x हमारा बाहर आ जाएगा और e टू दी पावर 2x dx हो जाएगा, माइनस जिस फंक्शन को हमने बाहर किया उसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन, और फाइनली फिर से इस फंक्शन का हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, और जो आता है उन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से एक बार करते हैं इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं u इंटू वी, यू को हमने बाहर कर दिया, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, और फिर से v का इंटीग्रेशन करते हैं और जो आता है उसका होल एक बार फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, तो यही होता है u इंटू वी। चलिए तो हमारे पास हो जाएगा साइन x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos x, और e टू दी पावर का अगेन फिर से 2x बाय 2 और dx। तो देखेंगे फिर से यहाँ पर एक बार u इंटू वी का फॉर्म आ रहा है, तो e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाई 2 इज कॉन्स्टेंट, तो हमने इसको बाहर कर लिया। फिर से देखिए cos x इंटू ई टू दी पावर 2x
तो फिर से अगेन यू इंटू वी, तो दिस इज यू एंड दिस इज वी, फिर से इंटीग्रेशन कीजिए इसका। तो फिर से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो u को हम लोग बाहर करेंगे, यानी cos x यहाँ से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 2x dx का, और माइनस जिसको हमने बाहर किया उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और फिर से e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन, और जो आया है उसके होल का फिर से एक बार इंटीग्रेशन। देखिए इसको ध्यान से, अब हमारे पास आ गया रिजल्ट साइन x e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन x माइनस में, एंड e टू दी पावर 2x इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 2 और फाइनली dx। तो देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास i इज इक्वल टू, यही हमारा i i चल रहा है, i बराबर e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन x, और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा माइनस 1 बाय फोर e टू द पावर 2x और कॉस एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, फिर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स माइनस 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2, तो 1 बाई 4 मीन्स 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई टू दी पावर 2x dx। ध्यान से देखिए इसको, मैंने मल्टीप्लाई करके सब कुछ लिख दिया है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फिर से वही फंक्शन आ गया है जो हम शुरुआत से लेकर चले थे। देखिए e टू दी पावर 2x साइन x, e टू दी पावर 2x साइन x, या इसको देखिए दोनों एक ही फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसके जगह पर सीधा सीधा लिख सकते हैं i 1 बाई 4 e टू दी पावर 2x cos x माइनस 1 बाई 4, इसको हम लोग लिख देंगे i, क्योंकि यही तो है i जो हम लोग लेके चले थे, तो इधर भी i और इधर भी i, तो दोनों i को एक साथ कीजिए, तो 1 प्लस 1 बाय 4 आई e टू दी पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस 1 बाई 4 e टू दी पावर 2x cos x। चलिए तो नेक्स्ट जब हम लोग आगे चलेंगे तो इसको एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 5i/4 इक्वल टू e टू दी पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस 1 बाई 4 e टू दी पावर 2x cos x, और जब i का मान निकालेंगे तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से डिवीजन, और फाइनली e टू दी पावर 2x बाय 2 साइन x माइनस 1 बाय 4 ई टू दी पावर 2x कॉस x प्लस c। अब चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, या यहीं पर आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। फिलहाल चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2 बाय 5 ई टू दी पावर 2x साइन x माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1 बाय 5 ई टू दी पावर 2x कॉस x प्लस c, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने छोड़ दिया है, चूँकि इसका ऑलरेडी पहले से एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमने डिस्कस किया है, इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, तो मान लेते हैं इसको फिर से, जो भी आपको सवाल दिया है इसको आप पहले i मान लीजिए, e टू दी पावर x 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। तो सबसे पहला काम करें ये e टू दी पावर x, इसको अलग अलग कर लें, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय 1 माइनस cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। अब देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ, सवाल के
बात को सुनिए, सवाल आपसे क्या कह रहा, सवाल ही आपसे कहेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कीजिए, तो आपको उसकी बात को सुनना है, मुझको तो सुनाई दे रहा है। तो आप देखें, 1/1 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे, 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ध्यान से देखें, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। नीचे फिर से इसको तोड़ेंगे तो फिर से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए, तो हमारे पास हो गया e टू द पावर x 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ऊपर ले जाके अगर आप लिखेंगे इसको तो 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, एंड यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास नीचे एक साइन एक्स, ऊपर एक कॉस एक्स, तो मीन्स हो गया हमारा सीधा सीधा कॉट एक्स। देखिए कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2 हमारा बच जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉट एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन ये होता है, e टू द पावर x माइनस कॉट एक्स बाई 2, या चलिए इसे हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाले तो माइनस आ गया बाहर, और कॉट एक्स बाई 2 इधर हो गया, और माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस एफ एक्स बराबर, अगर मान लेते हैं हमारे पास एफ एक्स बराबर कॉट एक्स बाई 2 है, देन एफ डैश एक्स, यानी जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम देख रहे हैं इसको कि ये इस फॉर्म में, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ फॉर्म में देखिए, e टू दी पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा फॉर्म हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एफ एक्स का मान कॉट एक्स बाई 2 है, एफ डैश एक्स हमारा ये है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखिए मीन्स इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया है ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू हो गया हमारा माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए, तो हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 12 तक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखिए, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 8x प्लस 20 dx। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये सवाल जो हमारे पास है, चार सवाल, ये सब स्पेशल इंटीग्रेशन का सवाल है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर अरेंज कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4x और प्लस, अब ये देखिए 2 a और ये बन गया है b, तो ये a है और ये b है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर हमको यहाँ जोड़ना होगा और 4 का स्क्वायर घटाना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट फॉर्मूला बैठ जाएगा, और प्लस में हमारा है 20 dx। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट फार्मूला हो चुका है, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस में 16 है और प्लस में 20। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर
और 20 में से 16 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब याद कीजिए एक फार्मूला को, हमारे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ds। इस फार्मूला को याद कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो सीधा सीधा हमारा हो जाएगा 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसलिए i का मान हमारा हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर। मीन्स अब यहाँ देखिए x की जगह पर हमारा है x प्लस 4, तो क्या लिखेंगे 1 बाय ए का मीन्स 1 बाय 2 और tan इनवर्स x बाय ए, x बाय का मतलब x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 15 को ही देख लेते हैं, फिर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इसमें भी वही काम होने जा रहा है जो काम क्वेश्चन नंबर 13 में हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। इसको हमको a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अरेंज करना है। मीन्स ए स्क्वायर प्लस, देखिए 6x को हम लोग इसमें 2 इंटू 3x, तो 3 का स्क्वायर इसमें हमको ऐड करना होगा, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर को बनाने के लिए, और प्लस में हमारा है 5। तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारा हो जा रहा है माइनस का 9 और प्लस 5। मीन्स ये हमारा हो जा रहा है अब अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 4 डी एक्स। मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, चूँकि 4 है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, रूट के अंदर चूँकि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स कितना होता है, लॉग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो बैठा दीजिए इस फॉर्मूला पर, तो आई का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक्स के जगह पर एक्स प्लस 3 है, तो क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ये कुछ वैसा ही सवाल था, इसलिए हमने पहले इसको ही ले लिया। अब चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको log x प्लस 3 और प्लस ये वाले को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये टर्म, देखिए ये टर्म दोनों सेम है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म मीन्स ये टर्म, जब इसको तोड़ेंगे तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए इसको ध्यान से, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। 14 को भी देखेंगे लेकिन पहले 16 कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सीधा सवाल है, सिंपल सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25 dx। और देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला कुछ ऐसा होता है
एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस में ए स्क्वायर बाई टू एंड लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसी फार्मूला पर बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे हमने 16 को कॉमन निकाल लिया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाई 16 डी एक्स। तो 16 को जब हमने कॉमन निकाला तो इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 4। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय 4 का होल स्क्वायर डी एक्स। ध्यान से देखिए 25 बटे 16 मीन्स 5 बटे 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये कम्प्लीट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, मीन्स हम लोग अब इसको तोड़ सकते हैं उस फॉर्म में, यानी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 बटे 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया हमने प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 5 बटे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग, तो लॉग एक्स, तो एक्स के ऊपर तो एक्स ही है, प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो अगेन एक्स का स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 5 बटे 4 का स्क्वायर और प्लस सी। तो देखिए आप चाहें तो इसको ऐसा ही लिख दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा ऊपर x, नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर 25 बटे 16 और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 2 प्लस, यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से दो बार में कट जाएगा, यानी एक चार कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 25 बटे 8 यहाँ बचेगा 25 बटे 8 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 बटे 16 और प्लस सी। फाइनली यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 को आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी कुछ वैसा ही फॉर्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को इस तरह से अरेंज करेंगे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाए। तो हम लोग मानेंगे इसको लेट 3x प्लस 1 बराबर a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मीन्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस b। अब फाइनली हमको a और b का मान निकालना है कंपेयर करके, तो a इंटू यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस में 2 और 3 का तो 0 हो जाएगा, तो प्लस हो गया हमारा b। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 4ax एंड 2a प्लस b। अब देखिए x वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म दोनों को इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इक्वेट करके हम लोग क्या पाते हैं कि यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में 4a है, मीन्स 4a बराबर 3, मतलब a बराबर 3 बटे 4। एंड कांस्टेंट को जब करेंगे हम लोग तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर है माइनस का 2a प्लस b बराबर 1, a का मान यहाँ रख दीजिए, a का मान हमारा कितना है 3 बटे 4 प्लस b बराबर 1, तो यहाँ से आ रहा हमारा माइनस 3 बाई 2 प्लस b बराबर 1, मीन्स b बराबर आ जा रहा है 1 प्लस 3 बाई 2 मीन्स b बराबर 5 बाई 2। तो देखिए हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, i बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और dx। तो आप देखें इसको 3x प्लस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a इंटू इतना और प्लस b, a का मतलब कितना 3 बटे 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 4x माइनस 2 और प्लस b। तो हमने एक जगह पर एक का मान लिख लिया 3 बटे 4 4x माइनस 2
एंड बी के जगह पर जो वैल्यू आया है 5/2 2x² - 2x + 3 dx। अलग अलग कर देंगे इसको तो 3/4 हमारा बाहर आ जाएगा और 4x - 2 / 2x² - 2x + 3 इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन 2x² - 2x + 3 dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन चूंकि नीचे वाले का ही ये डिफरेंशिएशन है तो इसलिए आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 3/4 log 2x² - 2x + 3। बट इसका हम लोग अब वही पुराने मेथड से तोड़ेंगे a + b² के फॉर्म में अरेंज करके, तो इसके लिए हम लोग काम करना होगा। तो इसका मान निकालेंगे हम लोग, अब यहाँ तक आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो इसका मान हमको निकालना होगा, तो इधर हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। I हमारा कितना है 3/4 log 2x² - 2x + 2 सॉरी प्लस 3 दिस इज 3 एंड 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 2x + 3 dx। देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, 3/4 ये टर्म तो हमारा जैसा है वैसा ही उतर जाएगा एज इट इज, चेंजिंग हमारा यहाँ पर होगा। इससे हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो बाहर आ गया 2, तो यहाँ हो गया हमारा x² - x और प्लस में 3/2 dx। ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठाने के लिए तो ये टर्म तो हमारा ऐसा ही उतर जाएगा और इधर हो जाएगा 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 2 × 1/2 x, ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे और 3/2 यहाँ पहले से उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा 5/4 ये टर्म तो हमारा ऐसा ही उतरेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x माइनस 1/2 का हम लोग लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूला पर हमने इसको बैठा दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, और यहाँ से आ गया -1/4 और +3/2, तो +3/2 को हम लोग पहले लिख लेते हैं और -1/4 को हम लोग उसके बाद लिख लेते हैं। लिख सकते हैं ऐसा जोड़ और घटाओ में, तो नेक्स्ट 5/4 ऐसा ही रहेगा, ये टर्म तो उतर जाएगा, तो यहाँ हो गया x माइनस 1/2 का स्क्वायर। एंड यहाँ जब आप करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा नीचे 4 और इन दोनों को इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 1 मीन्स 5 आएगा। चलिए तो ये वाला टर्म हमारा ऐसा ही उतर जाएगा और प्लस करके लिखेंगे 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ x - 1/2 स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर, a² + x² + a² का ये फॉर्म हो गया। तो ये वाला टर्म हमारा ऐसा ही उतरेगा 5/4 और इसमें लगाएंगे हम लोग 1/a 10 inverse x/a, x का मतलब 1/2 और a का मतलब √5/2 प्लस में 3। तो फाइनली आप इसको एलसीएम वगैरह लेके लिख लीजिए, ये वाला टर्म अब उतार देते हैं क्योंकि हम लोग लास्ट लाइन लिख रहे हैं, तो 3/4 log 2x² - 2x + 3 और प्लस 5/4 करेंगे तो ये 2 ऊपर जाके कट जाएगा मीन्स, और ये √5 बार में ऊपर कट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास √5/2 और यहाँ से आ जाएगा 10 inverse 2 ऊपर जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x - 1/√5 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस इसको आप ऊपर नीचे करके गुणा भाग कर लेंगे। तो हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ सवाल को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो देखिए इसका हमको कह रहा है इवैल्यूएट 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3। तो उस पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले देखते हैं ऊपर का x पर पावर 1 है, नीचे x पर पावर देखिए मैक्सिमम 3 है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अंश का पावर हर के पावर से छोटा होना चाहिए। तो अब पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। लेट 2x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू, जितना आपके पास फैक्टर है उतना कांस्टेंट मान लीजिए, x प्लस 2 एंड c बाय x माइनस 3। तो चलिए हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, एलसीएम ले लेंगे सबका तो आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 3। तो एलसीएम में डिवाइड कीजिए इसको, इससे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, a इंटू x प्लस 2 एंड x माइनस 3 b। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 वाला टर्म कटेगा, यानी b इंटू x माइनस 1 और x माइनस 3 ये टर्म बच जाएगा, और प्लस में c इंटू इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कटेगा हमारा, तो ये टर्म बच जाएगा। देखिए एलसीएम हो गया, नीचे से देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो हमारा यहाँ से आउट हो गया। अब हमारे पास ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 3 b, x माइनस 1 x माइनस 3 c, x माइनस 1 एंड x प्लस 2। अब दो मेथड हमारे पास है, एक मेथड है इक्वेटिंग करके, दूसरा मेथड है मान पुट करके। तो मान पुट करके मेथड से बनाना आसान है, तो हम लोग यही करेंगे पुटिंग x बराबर, देखिए x का मान ऐसा पुट करना है कि हमारा कट के दो टर्म आउट हो जाए यहाँ से और एक कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाए। तो सबसे पहले मान पुट कर दीजिए एट x बराबर 1, जैसे 1 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, जैसे हम लोग x बराबर 1 करेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं, वी गेट हम क्या पाएंगे कि 2 इंटू यहाँ भी 1 रखेंगे माइनस 1 डिवाइड इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, यहाँ रखेंगे 1, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, और यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 मीन्स होल टर्म 0, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 मीन्स होल टर्म 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा माइनस का 6, सो यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 बाय 6। फिर कीजिए पुटिंग x बराबर 2, तो जब x बराबर पहले रखिए 3, तो 3 रखने से क्या फ़ायदा होगा, ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो आपको फाइनली c का वैल्यू मिल जाएगा। वी गेट हम क्या पाते हैं, 3 यहाँ रखेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ 3 रखेंगे तो ये टर्म हमारा चूँकि 0 होगा तो सारा ही टर्म 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो ये टर्म 0 तो सारा ही टर्म 0 बचेगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 का मतलब 2, और यहाँ रखेंगे 3 प्लस 2 मीन्स 5, तो फाइनली यहाँ से आ रहा 6, 6 में से 1 घटा दिया तो आ गया 5, और c इंटू 2 इंटू 5 आ रहा, तो 5 से 5 कैंसिल मीन्स c बराबर यहाँ से आ गया आपका 1 बाई 2, तो c का मान आ गया है 1 बाई 2। अगेन पुटिंग x बराबर माइनस 2 पुट कीजिए, तो माइनस 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इस टर्म का वैल्यू निकल जाएगा। वी गेट हम क्या पाते हैं, तो देखिए माइनस 2 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ रखेंगे माइनस 2 तो ये टर्म 0, माइनस 2 रखेंगे तो आ जाएगा b, और माइनस 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 3, माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 5, और ये हमारा हो गया 0। तो फाइनली यहाँ से आ गया आपका माइनस का 5 इक्वल टू b इंटू माइनस 3 और माइनस 5, तो माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि b का मान जो आ जा रहा है
वो माइनस वन बाय थ्री। देखिए हमने क्या किया, ए बी और सी निकाल लिया, तो फाइनली हम लोग चाहें तो इसको यहाँ रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के हम लोग ए और बी सी का मान निकाल चुके हैं तो यहाँ रख लेते हैं। ए का मान जो आ गया हमारे पास माइनस वन बाई सिक्स, और बी का जो वैल्यू आया है माइनस वन बाई थ्री, एंड सी जो हमारे पास आया है वो वन बाई टू। तो चलिए आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए हमको ये वैल्यू चाहिए। इसलिए चूंकि इतना बराबर इतना है तो हमारा फाइनली ये रिजल्ट हो जाएगा कितना, ए, ए का मतलब माइनस वन बाई सिक्स, माइनस वन बाई सिक्स और एक्स माइनस वन, प्लस बी का मान हो गया है माइनस वन बाई थ्री, तो थ्री तो आ जाएगा नीचे, एक्स प्लस टू, एंड सी का वैल्यू हमारे पास है वन बाई टू एक्स माइनस थ्री। तो इसी का करना है इंटीग्रेशन, टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन मीन्स इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग कर लेंगे, वन बाई सिक्स यहाँ से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं इसको, वन बाई थ्री यहाँ से बाहर मीन्स इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू का, और यहाँ से 1 बाई टू आउट, तो इंटीग्रेशन किसका, x माइनस थ्री का, और 1 बाई एक्स का आप जानते हैं log x होगा, मीन्स माइनस वन बाई सिक्स लॉग लिख सकते हैं इसको, x माइनस वन, माइनस वन बाई लॉग लिख सकते हैं x प्लस टू, प्लस वन बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा log x माइनस थ्री, एंड लास्ट में एक कॉन्स्टेंट डाल देंगे c। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। देखिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो एक पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल हम लोगों ने कम्प्लीट किया है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल जो हमारा है ये डिफिनिट इंटीग्रल से है, दो सवाल प्रूव डैट है, यहाँ भी प्रूव डैट है, प्रूव डैट इतना बराबर साबित कीजिए पाई बाय एट लॉग टू, और इसका वैल्यू निकालना है, मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, दो सवाल 19 और 20 में प्रूव करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। मान लीजिए लेट आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला काम डेफिनेट इंटीग्रल्स रहे चाहे जो भी रहे, फाइनली हम लोग तो इसका पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो चलिए इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन, तो 0 से पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, कॉस 2x का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर हमको कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको बदल दिया। तो जब अलग अलग करेंगे हम लोग इसको, तो 0 से पाई बाई 4 1 बाई 2 और प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और जब इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका तो आएगा 1 बाई टू एक्स प्लस कॉस 2x का होगा साइन 2x और डिवाइडेड बाई 2, तो एक 2 तो पहले से है तो यहाँ हो जाएगा नीचे 4, और मान रख देंगे 0 से पाई बाय 4, तो रख दीजिए पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 जब रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा पाई बाय 8 प्लस यहाँ रखेंगे साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 रखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास हो जा रहा है पाई बाई 4 मीन्स साइन हो जा रहा है पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा और नीचे 4, ये हमारा हो गया अपर लिमिट, और इसी में रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये 0 और साइन 0 का मान 0, 0 बाई 4 0 मीन्स लोअर लिमिट सारा 0 हो जा रहा है। तो आंसर आपको यहीं से आएगा पाई बाई 8 प्लस साइन 90, तो साइन 90 का मान तो सीधा सीधा हो गया 1 और नीचे हो गया हमारा 4, तो यही आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ से 1 बाई 8 कॉमन निकाल लीजिए या ऐसे ही जवाब दे दीजिए, दोनों ही आपका आंसर होगा, या एलसीएम ले लीजिए, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 8, तो फाइनली पाई और प्लस 2 आ जाएगा इसका आंसर।
चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि साबित कीजिए, प्रूव दैट इतना बराबर जीरो होगा, तो जो भी है उसको मान लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग टेन एक्स डी एक्स, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें लगा दीजिए प्रॉपर्टी जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी लॉग टेन एक्स, तो टेन एक्स के ऊपर क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, फाइनली जीरो से पाई बाई टू लॉग हो जाएगा कितना, टेन नब्बे डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा यानी कॉट एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दीजिए 1 और 2 को, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो वी गेट, हम क्या पाते हैं देखिए, वी गेट हम पाते हैं कि i प्लस आई 2i हो जा रहा है यहाँ पर, और 0 से पाई बाई 2 ये हमारा कितना हो गया log 10x और dx, और प्लस में ऐड हुआ है 0 से पाई बाई टू log cot x dx। तो इन दोनों को एक ही साथ इंटीग्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट दोनों पर सेम है, तो 10x प्लस log cot x, और देखिए इन दोनों का फॉर्मूला याद कीजिए, log 10x प्लस log cot x, तो दो log में हमारा जोड़ में है, इसको हम लोग गुना में लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10x और इनटू cot x, log को ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 10x इनटू cot x, तो log 10x इनटू cot x का मान सीधा सीधा 1 हो गया, और log 1 का मान आप जानते हैं, log 1 का मान होगा 0, तो फाइनली ये हमारा 0 हो गया, और 0 तो ये फाइनली हमारा टोटल 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2i, तो i बराबर कितना हो गया 0/2 मीन्स 0, तो i हमारा था क्या, i हमारा ये था 0 से पाई बाई टू log 10x dx, देखिए ये हमारा आ गया 0, तो ये हो गया प्रूव्ड। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में क्या कह रहा है, फिर से वही बात है, साबित करना है, तो मान लीजिए लेट i इज इक्वल टू 0 से इस बार पाई बाई 4 है, और दिया है log 1 प्लस 10x dx, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी लगा दीजिए 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 क्या लिखेंगे इसमें पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो इस ब्रैकेट को चेंज कर दीजिए, ये ब्रैकेट है 0 से पाई बाई 4 log, तो यहाँ पर लगाइए 1 प्लस 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, देखिए ये फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट, तो हमारे पास आ गया 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान 1, इसका मतलब 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान 1, तो प्लस में सिर्फ 10x बच जाएगा dx, LCM लेंगे इसका, तो 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x dx, 10x से 10x हमारा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ बच जा रहा है 0 से पाई बाई 4 log, ऊपर बच जा रहा है
सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ हमारा बच जा रहा है 2 वन प्लस 10x dx। अब देखिए फिर से यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे log m by n का, तो चूंकि ये i हमारा तो 0 से पाई बाय 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1 प्लस 10x देखिए dx, अलग अलग कर लेंगे तो 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस, जब इसको करेंगे तो 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x और dx। तो ये टर्म देखिए फिर से हमारा वही आ गया है, लेकिन यहाँ पर log 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 0 से पाई बाय 4, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग इसको क्या लिख देंगे i, क्योंकि वही चीज़ आ चुका है 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। तो ये i इधर आएगा तो आ जाएगा i प्लस आई 2i, यहाँ से वैल्यू आ रहा है log 2 पाई बाय 4 माइनस 0, तो मीन्स पाई बाय 4 log 2, ये आ गया 2i का मान। तो i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाय 8 log 2, और i है क्या हमारा, i तो यही है 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx पाई बाय 8 log 2, और ये हमारा हो गया प्रूफ। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग रफ और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि मॉडुलस का सवाल है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 जो है, मान निकालना है, मान लेते हैं i इज इक्वल टू 0 से पाई है और मॉड में है cos x, सीधा सीधा अगर cos x होता तो मान रखते थे। तो cos x जो फंक्शन होता है हम लोग जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 पर, 0 से पाई बाई 2 के लिए पॉजिटिव वैल्यू आता है और पाई बाई 2 से पाई तक के लिए नेगेटिव वैल्यू आता है। तो दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक पॉजिटिव में और दूसरा 0 से पाई बाई 2 से, यानी 90 से पाई पर जाएंगे तो cos नेगेटिव आएगा, यानी माइनस में cos x dx। अब वैल्यू रख दीजिए, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 0 से पाई बाई 2 प्लस, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लीजिए cos x का फिर से sin x और पाई बाई 2 से पाई, तो मान रख दीजिए, मान हमारा हो जाएगा sin पाई बाई 2 sin 0, यहाँ कितना हो जाएगा sin पाई माइनस sin पाई बाई 2, तो sin 90 का मान 1, sin 0 का मान 0, और यहाँ से कितना हो गया साइन पाई, तो साइन पाई इज़ अगेन 0 एंड साइन 90 इज माइनस साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी फाइनली आंसर इज प्लस 2। चलिए तो हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन है लिमिट एज द लिमिट ऑफ सम से। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसमें हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इवेल्यूट 1 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स एज द लिमिट ऑफ सम, या दूसरा आपसे कह सकता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, दोनों एक ही बात है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला है ये कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन पूछा जाए ए से बी एफ एक्स डी एक्स का एज द लिमिट ऑफ सम से, हालांकि ये क्वेश्चन तो ऐसे रहेगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम लोग करेंगे इसको लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस थ्री एच, और इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे एफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच, यानी एफ का जो फंक्शन है वो ए पी में आगे बढ़ेगा, ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच ए प्लस फोर एच, इस तरह से
जहाँ की वेयर एन एच इक्वल टू बी माइनस ए होता है, बस आपको ये याद रखना है, यानी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आइए सबसे पहले हमारे पास सवाल क्या है उसको लिख लेते हैं। चूंकि हमारे पास जो सवाल है वो है 1 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ देखिए जरा सा, हेयर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ए बराबर जहाँ से शुरू हुआ है 1 है, बी बराबर 3 है एंड बी बराबर 3 है, इसलिए आप यहां से निकाल लें एन एच, चूँकि इसकी जरूरत लास्ट में आपको पड़ेगी एन एच, तो एन एच बराबर होगा हमारा बी माइनस ए डी माइनस ए मीन्स 3 माइनस 1 मतलब 2। इसलिए आप इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट इसको बैठा दीजिए, इसलिए हमको निकालना है ए से 1 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ ए, तो ए हमारे पास यहाँ कितना है 1, ये देखिए, प्लस एफ ए प्लस एच यानी 1 प्लस एच, एफ ए प्लस 2 एच तो 1 प्लस 2 एच, एफ ए प्लस 3 एच यानी 1 प्लस 3 एच, और ये काफ़ी हो गया इतना। लास्ट में हम लोग लिखेंगे एफ ए, ए का मतलब 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए फंक्शन हमारा कैसे डिफाइंड है, h टेंड्स टू 0 h, f1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 मीन्स 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब यहाँ आइए, f 1 प्लस h है तो यहाँ x है तो x का स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस h है तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ आइए, 1 प्लस 2h है तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, जैसे फंक्शन डिफाइंड हमारा है 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट 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 फाइनली 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या रिजल्ट हो गया हमारा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 1 प्लस, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4h और प्लस h का स्क्वायर मीन्स 4h स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 6h और प्लस में 9h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर और h का स्क्वायर। देखिए ध्यान से ये हो गया। अब हमने क्या किया कि देखिए 1 सब में है, इसमें भी 1 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 यानी n टाइम्स तक 1 है, तो टोटल 1 को जब जोड़ दिया तो हो गया n। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास देखिए 2h 4h 6h, h वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और 2 सबसे कॉमन निकाल लिया और h सबसे कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बचेगा आपका देखिए 2, यहाँ बचेगा 3, या चलिए एक बार हम लिख ही लेते हैं उसको पूरी तरह से, आपको आ जाएगा समझ में 2h 4h 6h, इसी तरह से डॉट 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 h वाला टर्म यहाँ पर है, तो 2n माइनस 1 इंटू h, देखिए h वाले टर्म को हमने एक साथ लिख लिया और उसके बाद स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखिए, तो h का स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, इसी तरह से और भी टर्म्स सब होगा और लास्ट में n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 h n प्लस, यहाँ से देखिए 2h कॉमन निकाल लीजिए, तो 2h कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 बचेगा यहाँ प्लस, यहाँ से देखिए h का स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए तो 1 का स्क्वायर और ये 4 बचेगा मीन्स 2 का स्क्वायर और यहाँ 9 बचेगा मतलब 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से n माइनस 1 का स्क्वायर बच रहा है, ये सारे टर्म्स आपके बच रहे हैं, इसको भी चाहे तो स्मॉल ब्रैकेट के साथ ऐसे लिख लीजिए। चलिए तो अब एक फार्मूला याद कीजिए जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h n प्लस 2 h,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, बट ये एक कम है, तो एक कम है तो इसके लिए आप जानते हैं n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये होता है फॉर्मूला, प्लस यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर, तो यहाँ पर भी देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है बट एक कम है यहाँ पर, तो एक यहाँ भी कम कर देंगे n इंटू एन माइनस वन और टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स होता है ये फॉर्मूला। चलिए यहाँ तक आप चाहें तो लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग ऊपर करते हैं इसके काम को। तो यहाँ से मिटाते हैं, बस लास्ट वाले लाइन का मुझको काम है। तो देखिए इसका रिजल्ट कितना आया है, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, h n 2h n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 प्लस h का स्क्वायर मीन्स h इंटू एच n n माइनस वन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। अब h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन एच, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक h तो है ही, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू एन एच एन एच माइनस एच डिवाइडेड बाई टू, यहाँ देखिए एच एक एच को रहने दीजिए तो एन एच एक एच से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो एन एच माइनस एच, और ये वाला जो एच आ रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो टू एन एच माइनस एच डिवाइडेड बाई सिक्स। तो रिजल्ट हमारे पास हो गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब देखिए एन एच का मान हम लोग पहले से निकाल के रखे हुए हैं इसी दिन के लिए, तो टू लिखेंगे यानी टू प्लस यहाँ कितना लिखेंगे टू, तो टू से टू कट जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ टू माइनस एच, यहाँ कुछ नहीं बचा वन, यहाँ लिखेंगे टू टू माइनस एच और टू इंटू टू माइनस एच डिवाइडेड बाई सिक्स, तो आप चाहें तो इसको तीन से काट सकते हैं। अब देखिए नीचे वाले का काम हो गया ख़त्म, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा एच टेंड्स टू ज़ीरो रख दीजिए, तो एच टेंड्स टू ज़ीरो रखेंगे यहाँ हो जाएगा टू, ये हो गया टू टू माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई वन, टू माइनस ज़ीरो ये हो गया फोर माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई थ्री, मीन्स यहाँ से आ जा रहा है दो प्लस चार और प्लस चार दूनी आठ बटे तीन, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आठ दो हो जाएगा दस, आठ चार और दो छः और आठ डिवाइडेड बाई तीन, तो छः तिया अट्ठारह और आठ हो जाएगा 26 बाई तीन, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल के देखेंगे तो इसका आएगा 26 बाय तीन, आप निकाल के देखिए एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री, वन से थ्री, तो थ्री रखिए इसमें तो थ्री रखेंगे तो हो जाएगा 27 बटे तीन और एक बटे तीन, तो देखिए तीन 27 माइनस एक यानी 26 बटे तीन। तो ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाला है और ये हम लोगों ने किया है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार ये सवाल पूछा गया है क्लास 12 में, तो 5% चांस है पूछा जाने का, इसलिए आप इसको सीख के जाएं, और नहीं आता है आपके सिलेबस में तो ऐसे है नहीं, बट एक साल पूछा गया है तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मीन्स इंटीग्रेशन का यूज करके आपको एलिप्स का एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए एलिप्स का ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगर एलिप्स नहीं भी लिखा जाता तो भी आप जानते हैं कि ये एलिप्स का इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम बना देते हैं एक एलिप्स, ध्यान से देखिए दिस इज एलिप्स, इसी एलिप्स का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल उस पर काम करेंगे। एलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है एक माइनर एक्सिस होता है, ये आपको पता होगा, ये सर क्लास 11th का है टॉपिक, ये x x डैश
वाई एंड वाई डैश। तो हमको इसका इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इस रीजन का टोटल एरिया कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ए बी सी और डी और ये हमारा ओ। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकाल लें, इस रीजन का एरिया निकाल के अगर हम लोग इसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रीजन जितना एरिया होगा उतना ही इस रीजन का, उतना ही इस रीजन का, उतना ही इस रीजन का, हर क्षेत्र का एरिया सेम होगा। तो हम निकाल देते हैं इस रीजन का एरिया और इसको चार से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो निकल जाएगा पूरे एलिप्स का एरिया। तो मान लेते हैं इस रीजन में एक ऐसा क्षेत्र है जिसका ये मोटाई जो है, ये जो मोटाई है इसको हम लोगों ने मान लिया है डी एक्स, और लंबाई जो है ये हमारा वाई है। तो हमारे पास जो दिया हुआ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए y का वैल्यू, क्योंकि y का वैल्यू आपको सवाल में पुट करना होगा। तो हमने निकाल लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो फाइनली वाई स्क्वायर बराबर आ जा रहा है बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओ ये तो हमारा बाहर ही आ गया, तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर, मीन्स वाई बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ से आ गया बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया वाई। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब आइए एलिप्स का जो ये दिया हुआ है, ये असल में होता है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सेमी सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो हमारे पास है वो है ए, तो यहाँ हो गया ए ज़ीरो, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है तो इसको आप लिख सकते हैं ज़ीरो बी। अब आइए इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं एरिया ऑफ, लिखेंगे एरिया ऑफ एलिप्स, हमको तो निकालना पूरे एलिप्स का एरिया। एलिप्स ये हमारा हो गया एरिया ऑफ एलिप्स, मीन्स एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए मीन्स 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन ए बी ओ ए। ध्यान से देखिए, तो चार गुना इस एरिया को चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे एलिप्स का एरिया निकल जाएगा 4 गुना एरिया ऑफ रीजन। अब ये एरिया निकलेगा कैसे हमारा, तो ये 0 से ए, हम लोग एक्स एक्सिस पर लेके चलते हैं, तो 0 से ए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हमारा हो गया वाई, चौड़ाई हो गया एक्स, तो वाई डी एक्स। तो मान रख दीजिए 4 इंटू 0 से ए, और वाई का मान देखिए हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो लिखेंगे b by a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फाइनली इस पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास एरिया ऑफ एलिप्स निकल जाएगा। तो इधर हम मिटाते हैं, इधर करते हैं रफ, तो देखिए हमारे पास जो आ जा रहा है वो आ रहा 4 इंटू 0 से a b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से 4 b बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अब लिमिट जीरो से हमारा ए है तो रख दीजिए लिमिट, सबसे पहले ए रखेंगे तो ए रखेंगे यहाँ ए स्क्वायर जीरो, यानी ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इधर रखेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, ये हो गया हमारा अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, तो यहाँ तो होल टर्म जीरो, साइन इनवर्स जीरो मतलब साइन जीरो का मान फाइनली जीरो, मतलब लोअर लिमिट हमारा सीधा सीधा जीरो आ जा रहा है, मतलब रिजल्ट हमको यहीं से मिलने जा रहा है। तो देखिए कितना हो जा रहा है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन, और आप जानते हैं साइन इनवर्स है वन का मान ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स पाई बाय, क्या लिख सकते हैं पाई बाय टू, साइन इनवर्स वन यानी पाई बाई टू, तो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा और दो दूनी चार से ये दो दूनी चार कैंसिल हो गया, तो मीन्स आ गया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, यही हमारा हो गया एरिया ऑफ एलिप्स, दिस इज एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। देखिए ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन प्रूव दैट एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट इज पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, मतलब इंटीग्रेशन का यूज करके आप साबित कीजिए कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसका रेडियस आर हो, आर यूनिट जिसका त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या आर हो, पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, यही मान लीजिए एक सर्कल है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसी का हमको निकालना है एरिया। अगर हम लोग इस भाग का एरिया निकाल दें और उसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। मान लीजिए ये ओरिजिन है ओ, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए वी नो डैट हम क्या जानते हैं, वी नो डैट इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ऑरिजिन, जिसका सेंटर ऑरिजिन पर हो, एंड ऑरिजिन मीन्स जीरो जीरो, एंड रेडियस इज आर यूनिट, विल बी क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से अगर वाई का मान निकालना चाहेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका इक्वेशन हमको पता होना चाहिए, तो एक ऐसे वृत्त का इक्वेशन जो कि जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है यानी जीरो जीरो पर है और रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो आर है, तो यहाँ पर अगर पॉइंट लिखना चाहें तो आर जीरो हम लोग लिख सकते हैं, इसका हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी मोटाई, ये जो मोटाई है इसको हम लोग मान लेते हैं डी एक्स, इसको हमने मान लिया डी एक्स, तो डी एक्स हमने मान लिया और ये जो है ये टोटल वाई है लंबाई, तो एरिया हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया ऑफ रीजन
कौन सा रीजन, ए बी सी डी ए, ऐसे ए बी सी डी मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर गुना एरिया ऑफ रीजन, किस क्षेत्र का रीजन, ए बी ओ ए, चार गुना इतना, तो इस क्षेत्र का एरिया होगा कितना, जीरो से आर, जीरो से आर वाई डी एक्स, तो फोर इंटू जीरो से आर, वाई का मान हमारा हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फाइनली यहाँ फार्मूला लिखेंगे, फोर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा एलिप्स का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर था सिर्फ ए, तो यहाँ पर एक जगह पर आर है, तो क्या लिखेंगे, एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई का मतलब एक्स बाई आर, और लिमिट रख देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जीरो से आर तक, जीरो से आर तक जोड़ना है, तो फोर मान रखिए अपर लिमिट, जब आर रखेंगे तो आर माइनस आर जीरो, ये वाला टर्म कैंसिल, तो बच जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू साइन इनवर्स, यानी इधर जीरो हो जाएगा आर बाई आर, और जब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस में करके तो ये हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रखेंगे ज़ीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रखेंगे ज़ीरो, तो ज़ीरो फुल टर्म ज़ीरो, यहाँ रखेंगे ज़ीरो तो फाइनली ज़ीरो, यानी टोटल ही टर्म ज़ीरो हो जाएगा, मतलब हम लोग को आंसर यहाँ से मिलने जा रहा है आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स आर बाई आर का मान वन, मतलब फोर आर स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, ये कैंसिल, मीन्स हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों ने निकाल दिया कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जहाँ की आर क्या है हमारा, एक रेडियस है, स्क्वायर यूनिट। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। ये कह रहा है अगर हमारे पास ये 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स, जहाँ के एफ एक्स हमारे पास इस तरह से डिफाइंड है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो चूंकि हमारे पास एफ एक्स इतना दिया हुआ है, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉड है, मॉडलस एक्स माइनस टू का मॉडलस है और एक्स माइनस थ्री का मॉडलस है, इसलिए हमें निकालना है वन से फोर एफ एक्स डी एक्स। तो वन से फोर एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब ये पूरा, इसको लिख देंगे एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, और इन सब का करना है हमको इंटीग्रेशन। तो चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, वन से फोर एक्स माइनस वन डी एक्स, यहाँ भी हो जाएगा वन से फोर मॉड एक्स माइनस टू डी एक्स, यहाँ हो जाएगा वन से फोर एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो जब इसका मान आप निकालेंगे मॉडलस को तोड़ेंगे, तो ज़ीरो से लेकर चार तक के बीच में हर हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा, तो एक ही बार टूटेगा ये एक्स माइनस वन, वन से फोर डी एक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें एक से लेके दो तक के बीच में, एक से लेके दो तक के बीच में ये देगा आपको निगेटिव साइन, और फिर दो से लेके चार तक के बीच में पॉजिटिव साइन देगा, तो दो तरह से टूटेगा ये, वन से टू ये देगा आपको गिव्स निगेटिव डी एक्स, एंड टू से फोर फिर ये दो से फोर आपको देगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव टूट जाएगा। यहाँ आइए, ये वन से थ्री, यानी वन से थ्री आपको ये देगा निगेटिव, एंड तीन से चार ये आपको देगा पॉजिटिव। तो तोड़ दिया हमने मॉडलस में इसको, मॉडलस से ये टूट चुका है सब, अब कर दीजिए सिंपल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, लिमिट रखेंगे कहाँ, वन से चार, इसको तोड़ेंगे तो चलो निगेटिव है, यहाँ निगेटिव कर देते हैं, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस में टू एक्स,
कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, यहाँ देखिए फिर से एक्स स्क्वायर बाई 2, 2x लिमिट है यहाँ 2 से 4 इस बार, ये माइनस बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x लिमिट है 1 से 3, और इसको तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, बट लिमिट हमारा चेंज कर जा रहा है 3 से 4। तो चलिए फटाफट इसका मान रख देते हैं 4, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, 16 बटे 2 मीन्स 8 माइनस 4, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस, जब इसका करेंगे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 से कट जाएगा तो 2 माइनस, 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे 1, 1 बाई 2 माइनस में 2 प्लस 4 रखेंगे यहाँ, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 फाइनली 8 माइनस 8 माइनस, इसको रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया यहाँ 2 और माइनस 4 माइनस, यहाँ रखेंगे 3 तो 3 हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस 3 दिया 9, और माइनस 1 रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस आ जाएगा 9, और फाइनली फिर इसको भी रखेंगे तो आप पूरा कंप्लीट करने के बाद जब इसको जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा, एक मिनट, आप इसको जब कंप्लीट करेंगे जोड़ घटाओ तो फाइनली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 19 / 2, तो हम कर नहीं रहे हैं, ये आपके लिए काम छोड़ दे रहे हैं, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको सीखना था कि मॉडल किस तरह से टूटता है। तो आज के लिए इतना ही, लगभग हम लोगों ने पूरे ही इंटीग्रेशन का रिवीजन कर लिया है, तो आपको अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।